नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग विद एमसी में और एक बार फिर आपके सामने। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर मैट्रिक्स। हमने लास्ट क्लास में एनालॉगी कर लिया था, तो आज हम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। और आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जून 2023 और आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, नंबर मैट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और इससे क्वेश्चन फंसते हैं लोग, इन्हीं क्वेश्चनों में अटकते हैं, नंबर मैट्रिक्स में लगा नहीं पाते। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नंबर मैट्रिक्स की हम बात करें, इसमें सबसे पहला होता है एडिशन। सबसे पहला एडिशन होता है इसमें। सेकंड होता है सब्सट्रैक्शन, माइनस करना, जमा करना, माइनस करना। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। थर्ड पे आता है मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ पे आता है, फोर्थ पे आता है आपका डिवीजन, ठीक है। फिर फिफ्थ पे आता है स्क्वायर। फिर आखिरी में आता है आपका क्यूब। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 टॉपिक हम इसमें जानेंगे कि कैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो साथ में क्वेश्चन के साथ साथ करते चलेंगे, वो खुलते चलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो घबराना नहीं है। टाइप वन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। टाइप वन ऑन द बेस ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर, टाइप वन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर। फर्स्ट टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर, जो हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें क्यूब और स्क्वायर लेके चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 star 5 91, ठीक है। 8 star 7 169, 10 star 7 6 7 5, तो 11 star 10 हमें बताना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, ऑन बेसिस ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर। तो इससे पहले हम क्यूब और स्क्वायर की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो कैसे किया है इन्होंने। 6 5 91, ठीक है, 6 5 91, 8 7 169, 10 7 6 7 और 6 5 7 और 11 10 का हमसे पूछा है। तो क्या हुआ, तो देखो दोस्तों, क्यूब और स्क्वायर की बात हो रही है। तो सबसे पहले 6 का क्यूब आपको याद हो तो क्या होता है, 216 होता है, ठीक है, 216, 6 का क्यूब 216। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, ठीक है दोस्तों, 125। हम इसे माइनस करें तो क्या आता है, 6 में से 5 गए 1, ठीक है, 7 मिल गए रहेंगे, 11 में से 2 गए, क्या बचा, 9। तो हमारा 91 आ चुका है, वेरीफाई हुआ है कि क्यूब माइनस किया गया, क्यूब करके एक दूसरे को माइनस किया गया। यहां चेक करते हैं सेकंड में, 8 का क्यूब होता है 512, 7 का होता है 343, माइनस करके देखो कि 169 आता है क्या, नहीं, तो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। थर्ड भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं करना है, फर्स्ट और थर्ड करके देखो, एक या दो लग रहा है, चलो भाई अपना आंसर निकालो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो 12 में से 3 गए 9, 10 में से 4 गए 6 और 169, ठीक है। थर्ड को चेक करते हैं, 10 की क्यूब 1000, 7 की क्यूब 343, माइनस करते हैं 7, यहाँ पे बचा 5, यहाँ बचा 6, भाई अपना 6 5 7। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें दिख रहा है कि क्यूब को मतलब क्यूब करके माइनस किया जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्यूब कीजिए और माइनस कीजिए और आगे बढ़िए। 11 है क्यूब 1331,
10 का क्यूब 1000, माइनस करेंगे 331, 331 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, क्यूब क्यूब बेस पे हुआ है क्वेश्चन, स्क्वायर बेस पे भी लेंगे अभी, क्यूब बेस और स्क्वायर बेस पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें मैट्रिक्स में। ठीक है, अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक नोट लिखो, जब छोटे छोटे नंबर के साथ प्रोडक्ट बढ़ा, लो लिखते हैं साथ साथ, जब छोटे मतलब स्मॉल स्मॉल नंबर के साथ प्रोडक्ट बड़ा आ जाए तो कॉम्बिनेशन स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लाई का हो सकता है। ये आप बात ध्यान रखना दोस्तों रूल फर्स्ट में, कि जब छोटी छोटी संख्या हो, ठीक है, छोटे छोटे नंबर हो 6-5, बट प्रोडक्ट 91 हो, बड़ी डिजिट है, तो या तो बेसिस ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर पे होगा या फिर वो मल्टीप्लाई करके होगा, कि 6-5 ने 30 किया हो, फिर 30 का 3 गुना किया और 90-90 में एक जोड़ा 91। ठीक है, ऐसे सेकंड में देखते हैं 8-7 56 56 56 का डबल करेंगे हम तो आएगा नहीं बन रहा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है हमें ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने ये नोट लिखवाया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ हमारे पास स्पेस बहुत है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, टू थ्री थर्टी वन थ्री फोर। ये आ गए भाई अपने मैट्रिक्स के क्वेश्चन, बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे हर बार, या ऐसी चल जाएगा काम आपका दोस्तों। ये हमें फाइंड करना कि यहाँ क्या होगा, तो देखो स्मॉल है, छोटे छोटे हैं, बट प्रोडक्ट ज्यादा है, तो या तो मल्टीप्लाई किया या स्क्वायर किया या क्यूब किया। मल्टीप्लाई करके देखो, दो दूनी चार, चार तीन बारह, तीन दूनी छः, ठीक है, छः दूनी बारह नहीं होगा, या छः तीन अठारह जब भी नहीं होगा 31 है, तो अब स्क्वायर की बारी है, स्क्वायर लेके देखो, तो दो का स्क्वायर होता है चार, और दो दो है ऊपर तो चार चार आ गया, चार चार को प्लस करेंगे 8 आएगा, तो भी नहीं आ रहा 12, तो और कुछ क्या लॉजिक लग रहा देखो, नीचे भी देखो, यहाँ पे स्क्वायर किया 9, यहाँ किया 4, 9 और 4 13, 13 को रिवर्स करवा दे 31, बट हमारा 21 ऊपर नहीं आ रहा, तो हमें ये नहीं लगेगा, और कुछ लगेगा वो चेक करते हैं। तो देखो क्या लगता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करें हम तो क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। सेकंड नंबर का हम क्यूब करें तो 8 आएगा, ये 8 है अपना, और 8 और प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है आई थिंक, मे बी मैं ठीक हूँ, 12 होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट एक बार चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर लेंगे फर्स्ट नंबर का 4, और दूसरे नंबर की क्यूब लेंगे 27, और हम फिर ऐड करेंगे 27 प्लस 4 कितना आ गया 31, तो आई थिंक हमने प्रूव कर चुके हैं, तो कुछ नहीं है, थर्ड में भी वही लगा दो, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 9, सेकंड नंबर की क्यूब 64, और ऐड कीजिए 9 और 4 13, अरे ऊपर गया 73, हमारा 73 आंसर दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर की स्क्वायर, दूसरे नंबर की क्यूब, और फिर उनको ऐड करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, बट हम लेते हैं यहाँ, नो यहाँ लेते हैं दोस्तों। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 13 17 221 12 19 228, ठीक है, और फाइंड क्या करना हमें, 13 18, यहाँ बताना कि क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बताना क्या आएगा, आई थिंक आपको विजिबल होगा, विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ दोबारा,
बट आई थिंक शो हो रहा होगा कोई 13, 17, 21 तो देखो क्या है ये स्मॉल डिजिट प्रोडक्ट बड़ा है ठीक है तो मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा क्योंकि हमारी बात ये चल रही है ठीक है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखो ठीक है 13, 17, 91 बन गया आइन ऊपर 13 एकम 13, 13 प्लस 9, 22 221 हमारा राइट ठीक है। नेक्स्ट में एक बार चेक करते हैं 12 को 19 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो करके देखो 12 108 8 ठीक है 10 ऊपर गया 12 एकम 12 228 आ गया तो ये मल्टीप्लाई से हो गया अपना तो करना क्या है हमें सिर्फ 13 को 18 से मल्टीप्लाई करना 13 ठीक 104 ठीक है 4 आया 10 ऊपर गया 13 एकम 13 और 13 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 3, 4 ये हमारा आंसर ठीक है दोस्तों मल्टीप्लाई से स्क्वायर से क्यूब से ये हमारे क्वेश्चन थे और अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ तो मैं इसे रफ करता हूँ मुझे दीजिए सिर्फ और सिर्फ और 5 कह रहा हूँ 2 मिनट अभी मिलता हूँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट टाइप हमारा हो चुका है। फर्स्ट टाइप में हमने जाना कि क्यूब और स्क्वायर और मल्टीप्लाई पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एडिशन बेस सेकंड टाइप स्क्वायर क्यूब देख चुके हैं मल्टीप्लीकेशन देख चुके एडिशन पे चलते हैं एडिशन पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैट्रिक्स में ठीक है दोस्तों लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं जर्नी ये हमारा 24, 5 to 6, 4, 3, 1, 18, 3 to 5, 2, 5, 3, fill in the blanks क्वेश्चन मार्क हमें बताना है यहाँ ठीक है हमारे ऑप्शन है 22, 42, 30, 06 ठीक है दोस्तों ये हमारे ऑप्शन है और चलो देखते हैं कैसे होगा एडिशन से लेट चेक तो दोस्तों एडिशन से कैसे होगा प्लस करके देखते हैं पहले 7 और 3 10 11 5 6 11 प्लस 2 13 13 में हम ऐड करेंगे तो 24 ठीक है दोस्तों कि कैसे एडिशन किया इन्होंने जो हमारे ये डिजिट है 3 नंबर की पहले इनको ऐड किया है 7 प्लस 3 10 10 प्लस 1 11 ठीक है और 6 और 5 11 प्लस 2 13 तो 13 और 11 कितना होगा 24 बीच की डिजिट इन दोनों के जो जो नंबर है इन दोनों के नंबर को ऐड करके फिर आपस में ऐड करके 24 लाए हैं और इसमें भी चेक करते हैं 4 और 3 7 प्लस 1 8 और 5 और 3 8 और 2 10 तो आया कितना 18 और 18 हमारा आया है यहाँ ठीक तो अब इसको भी सेम वही करना है 5 और 3 8 और 2 10 और 7 और 1 8 8 और 4 12 तो ये आ गया हमारा 22 हमारा आंसर 22 हमारा ऑप्शन में भी है तो हमारा आ गया राइट आंसर ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ एडिशन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या है हम स्पीड से सारे टाइप देखेंगे फिर उस पर लाते हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैट्रिक्स पे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ठीक है पहले सारे टाइप एक बार हम जान लेते हैं। चलो दोस्तों टाइप थर्ड पे चलते हैं। टाइप थर्ड क्या है हमारा एडिशन एंड मल्टीप्ली या मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई किया एडिशन के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है ये एडिशन एडिशन का था अब आया टाइप थ्री में एडिशन एंड मल्टीप्लाई तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 प्लस 50 24 64 प्लस 30 इज इक्वल टू 42 11 प्लस 28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें ये फाइंड करना है कैसे आ रहा है तो आप टाइप देख के एक बार ट्राई कर सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन से हुआ है तो देखो क्या ऐड किया है क्या मल्टीप्लाई किया है लेट मी चेक 20 प्लस 15 कितना हो गया 35
कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है दोस्तों। तो और कुछ लगा इसमें, देखो क्या लगा है, 64 + 13 7, यहाँ गए 73, 7 + 21, बट यहाँ कितना है 42। लेट मी चेक फिर से आओ, 6 है ठीक है, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है 4, ठीक है नहीं हुआ। एक बार फिर से लेते हैं, 20 में 15 की एडिशन करते हैं पहले, ये हमारा है 35, फिर 35 की मल्टीप्लाई कराते हैं या उनको प्लस करते हैं, एक बार फिर से 3 + 5 आ गया 8, और 8 की 3 से गुना कराते हैं तो आता है 24। तो सेम इसी में लग रहा होगा तो ही ये लगेगा, तो 64 + 13 ये आ गया हमारा 77, 77 भी प्लस कराते हैं 7 और 7 की आ गया 14, और 14 × 3 = कितना होता है हमारा 42। तो देखो दोस्तों कैसा लॉजिक लगा, आपके माइंड में आया भी होगा ऐसा लॉजिक लग सकता है। तो सेम इसमें भी 28 + 11 39, फिर 39 की डिजिट को प्लस किया गया है, कितना आया 12। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक में 3 से किया, तो 12 × 3 = कितना होता है 36, 36 हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन का, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, इसी में 8 × 5 × 2 × 3 = 45 एंड 6 × 4 × 3 × 4 = 31। तो 6 × 5 × 4 × 7 क्या हो, टेल मी, ट्राई करो। 8 × 5 = 40, 40 और 3 × 2 = 6, 40 + 6 = 46, 6 × 4 = 24 और 3 × 4 = 12, ऐसे तो नहीं बना दोस्तों। और कुछ है इसमें चेक करो, कुछ भी कर सकते हैं, या तो फर्स्ट टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन किया है इन्होंने, 8 × 5 होता है 40, और लास्ट की जो 2 डिजिट है उनको ऐड किया गया है इन्होंने, 2 + 3 कितना होता है 45, ठीक है दोस्तों लास्ट की 2। अब लास्ट सेकंड वाले में चेक करते हैं, 6 × 4 = 24 और आखिरी की 2 डिजिट को इन्होंने ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 4 × 3 = 7, 7 को 24 में ऐड करेंगे तो आएगा 31। आई एम राइट, हमारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो नेक्स्ट में भी यही लगेगा, 6 × 5 = 30 + 4 = 34 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्रिय साथियों 41 हमारा आंसर। ये थी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन दिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या किया था इन्होंने, पहले इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आया 35, जो 2 डिजिट आई उन 2 डिजिट को उन्होंने ऐड किया, ऐड करने में क्या आया 8, फिर 8 को मल्टीप्लाई किया है 3 से जब आया 24। 3 चीजें करिए दोस्तों इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में टाइप 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में 3 चीजें करके जब हमारा आंसर मिला है, ठीक है ध्यान रखना इस लॉजिक को। इस क्वेश्चन में क्या है मल्टीप्लीकेशन, बट फर्स्ट 2 डिजिट को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है लास्ट की 2 डिजिट को इन्होंने ऐड किया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक मिनट, गुड, तो ये किया है, ध्यान से देखना है दोनों क्वेश्चनों को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, मुझे 1 सेकंड दीजिए मैं अभी आता हूँ। आगे चलते हैं, हम टाइप 3 सीख चुके हैं, अब चलते हैं टाइप 4 पर मेरे प्रिय साथियों। टाइप 4 में क्या आएगा, टाइप 4 है हमारा मल्टीप्लाई एंड माइनस सब्ट्रैक्शन, जो आप बोलो आपको बेटर लगे वो आप लिखो, बट मल्टीप्लाई एंड माइनस के क्वेश्चन लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई प्लस एडिशन के सीख लिए हैं, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन के सीख चुके हैं और एडिशन के सीख चुके हैं, अब चलते हैं मल्टीप्लाई एंड माइनस के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 27 और 38 यहां हमें बताना क्या आएगा। कीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई एंड माइनस से होगा, देखो कैसे होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 7, 4 जा 28, फर्स्ट वाले को माइनस किया है तो 27 आया। 8, 5 जा 40, -2, 38। ठीक है दोस्तों, 8, 5 जा 40, -2 कर दिया इन्होंने तो आया 38। तो 9, 6 जा कितना होता है 54, माइनस क्या करेंगे ऊपर वाला -3 कितना होगा 51 हमारा आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, माइनस और मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी की है हमने, माइनस भी किए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसी का क्वेश्चन देखते हैं एक और। 6, 4 + 5, 3 = 4, 8, 6 + 4, 2 = 4, 8, 3 + 7, 2 = 2 क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है दोस्तों। तो बताओ क्या हो सकता है, टेल मी, ट्राई कीजिए। अब ये नहीं बोलूँगा कि मल्टीप्लाई माइनस से हुआ है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो आप ये मत सोचना जहाँ प्लस हो वहाँ प्लस ही होगा, वहाँ माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, ये रीजनिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये मत सोचना कि प्लस का चिन्ह आ गया तो प्लस से ही होगा। ठीक है, तो करो ट्राई कि 4 लाए तो लाए कैसे लेके आए। ठीक है मेरे प्रिय साथी, करो एक मिनट आप चेक करो, 6 और 4 10, 5 और 3 8, 10 में से 8 गए -2, 2 को डबल किया 4। ठीक है, नेक्स्ट में चेक कर दें, 8 और 6 14, 14 और 14 में से 6 गए, कितना बचा 8, बट यहाँ तो 4 है, 8 को डबल करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। इसमें कुछ और लगाया लॉजिक, चेक कीजिए क्या लगाया है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये, आप ट्राई कीजिए। मेरे एक ट्राई और ले, 6 चौक 24, मल्टीप्लाई की बात कर दी है, 5 3 15, ठीक है 24 में से 15 गए हमारे, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 9 बट यहाँ है क्या हमारा 4, तो ये भी नहीं लगेगा, तो देखो क्या लगेगा। यहाँ पे डिफरेंट कितना है 6 और 4 का 2, यहाँ पे कितना डिफरेंट है 5 और 3 का 2, 2 और 2 4 या 2 2 4, वो नेक्स्ट में बदल देगा। 8 में से 6 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 2 2 4 या 2 और 2 4। अब 8 में से 3 गए 5, 5 और 7 में से 2 गए 5, 5, 5 और 5 10। ठीक, या 25, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा या 10 होगा या 25 होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 2 बच रहा है दोनों में, 2 और 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा। तो दोस्तों इसमें हम क्लियर नहीं कर सकते कि हमारा 10 आएगा, हमारा ऑप्शन में 25 हुआ तो 25 और 10 हुआ तो 10, और दोनों हुए तो कौन सा लगाना है, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो ए पे आएगा, ए पे मान लो 10 है तो 10 आंसर होगा, 25 ए पे है तो 25 आंसर होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन पे होता है वो हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहीं, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइप आगे बाद में बढ़ाएंगे, पहले आप क्वेश्चन करना सीखो। 5, 2, 1, 6, 1, 3, 2, 5, 8, 1, 6, 4, 5, 2 और question mark, 3, 2, 6, ये हमें फाइंड करना है। और दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का, क्योंकि आई थिंक आपको साउंड आ रहा होगा बाहर से, कुछ काम चल रहा है, तो हम इस क्लास को यहीं ओवर करेंगे इस क्वेश्चन को बताते ही। नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस और आगे की जानकारी आपको बताएंगे कि आगे कौन कौन से टाइप बनते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चेक करो कैसे होगा। 3, 4, 1, 4 और 3 7 + 1 8, 8, 5 और 2 7 1 8, 18, 16। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में भी ये बनता है, 6 और 3 9 और 1 10, 8 14 1 15, 10 और 15 25, समझ गए आप क्या किया इसमें।
थ्री प्लस फोर प्लस वन इजल टू कितना आया एट, फाइव प्लस टू प्लस वन कितना आया एट, एट और एट सिक्सटीन. सेकेंड में सिक्स प्लस वन प्लस थ्री इजल टू एंड टेन, एट प्लस वन प्लस सिक्स इजल टू फिफ्टीन कितना आया ट्वेंटी फाइव. तो कुछ नहीं करना है, फोर प्लस फाइव प्लस टू कितना होता है चार पाँच नौ और दो ग्यारह, तीन प्लस दो प्लस छः, छः तीन नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और ग्यारह बाईस. हमारा आंसर क्या है ट्वेंटी टू. ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर. तो दोस्तों घबराना नहीं है हमें, और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे कल क्लास में. आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं दोस्तों, और ये हमारा टॉपिक अभी तीन क्लासों तक खींच सकता है, लंबा हो सकता है, तीन क्लास चार क्लास बन सकती है इसमें. ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा साउंड का इशू है तो इसलिए हम क्लास को यहीं ओवर कर रहे हैं. ठीक है, लाइक क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों.